पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हालात खराब होने पर भारत में रह रहे हिंदू परिवारों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। अगस्त से अब तक फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव ने 30 से ज्यादा लोगों को भारतीय नागरिकता दी है। भारतीय नागरिक बनने के बाद खुशी जाहिर करते हुए लोगों का कहना है कि भारत स्वतंत्र देश है और यहां की नागरिकता मिलना उनके लिए एक सपने जैसा है। डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में नागरिकता का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे दानिश का कहना है कि मुस्लिम कंट्री होने के चलते वहां हालात बेहद खराब हैं, इसलिए उन्हें भारत आना पड़ा। भारत में रहकर जॉब कर रहे दानिश का कहना है कि भारतीय नागरिकता मिलना उनके लिए बेहद खुशी की बात है। हम दानिश है। दानिश, हाँ जी। दानिश कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान से। कितने दिन पहले आए थे? और टाइम तो हो गया, 2007 में ही आए थे। 2007 में? हाँ। तो आज यहाँ पहुँचे हैं नागरिकता के लिए। अब आप भारत के नागरिक बन गए। हाँ। कैसा महसूस कर रहे? बड़ी खुशी हो रही है भारत का नागरिकता लेते हुए। खुशी हो रही है। हाँ। लेकिन वहाँ क्या प्रॉब्लम थी? वहाँ एक तो हालात भी ख़राब हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। अच्छा। एक तो वहाँ से यहीं आना पड़ गया था। वहीं पाकिस्तान के बन्नू क्षेत्र से करीबन 10 साल पहले भारत आई गीता को भी नागरिकता सर्टिफिकेट दिया गया है। गीता ने कहा कि भारतीय नागरिकता मिलने से उसे भी खुशी है। गीता ने बताया कि उनका परिवार पाकिस्तान के बन्नू क्षेत्र में रहता था, लेकिन सभी लोग पहले ही भारत आ गए थे, इसलिए उसे भी वहां से वापस आना पड़ा और अब वह भारत की नागरिक बन गई है। रहते थे पाकिस्तान, रहते थे। हो गया 10 साल होने वाले। 10 साल तो सारे आ गए थे, हमें भी आना था। अच्छा, आना आपकी फैमिली पहले आती थी? हाँ, पहले आ जो हम थोड़े से रहते थे। फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव का कहना है कि अगस्त से अब तक 30 से ज्यादा लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है। गृह मंत्रालय और आईबी की रिपोर्ट मिलने के बाद नागरिकता लेने वाले लोगों के दस्तावेज जांचे जाते हैं। डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर उन्हें भारतीय नागरिकता का दर्जा दिया जाता है। डीसी जितेंद्र यादव का कहना है कि जिन लोगों को भारतीय नागरिक बनने का मौका मिल रहा है, वे भारत में रहकर अपनी और देश की तरक्की में योगदान दें। अगस्त में मेरे ज्वाइन करने के बाद लगभग हमने 30 से 35 सर्टिफिकेट जो नागरिकता के सर्टिफिकेट लोगों को दे चुके हैं। तो इसमें जो भी अफगान से रिटर्न है या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या जो भी होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के तहत हमारा एक प्रोसीजर है, एक पोर्टल पे वो अप्लाई करते हैं। उसमें आईबी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, हम कंसर्न एसडीएम से भी रिपोर्ट लेके, जब उसकी सारे कागज और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद देते हैं। और पिछले 5-6 महीने का यदि हम कंपेयर करें तो लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा है। हमने जो जो डॉक्यूमेंट्स लोगों से मांगे उन्होंने जमा करवाए और मुझे उम्मीद है कि मेरे ख्याल से नील के बराबर हमारे यहाँ पेंडेंसी है। और प्रयास ये है कि लोगों को हैसल फ्री उनको नागरिकता मिले, ताकि वो भारत के नागरिक बनने के बाद भारत के प्रगति में योगदान करें। नहीं, बिल्कुल पहले से बेटर हुई है और मैं गृह मंत्रालय का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जो पोर्टल बनाया और सिस्टम बनाया वो बहुत अच्छा बनाया है। लोगों के साथ वो इंटरफेस वाला सिस्टम है, आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो वो हम ऑब्जेक्शन वहीं ऑनलाइन ही उस पर लिख सकते हैं, ताकि लोग उस ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स या पेपर जमा करवाना होता करवा देते हैं। तो पहले से बेटर हुई है, लोगों को टाइम बाउंड में नागरिकता नेशनलिटी मिल रही है, लोग भी खुश हैं, सरकार के लिए भी अच्छा है।